हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 194 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर के एंड में साची हाकोने आ गई थी और वो वहाँ काम करना चाहती थी, पर ओकिता ने मना कर दिया था। साची कहती है, पर मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, मैं नागी को अकेले मेरी फीस पे करने के लिए काम करने नहीं दे सकती। एरिका कहती है, एआई ने उसे बता दिया। नागी कहता है, मैं उसे बोलना भूल गया था कि ये बात किसी को ना बताए। साची ओकिता से कहती है, मैं कोई भी काम कर लूंगी, प्लीज मुझे काम करने दो, मैं अपनी फीस खुद कमाऊंगी। ओकिता कहता है, एक हाई स्कूल गर्ल अपने भाई का पीछा करते हुए टोकियो से हाकोने आ गई। मुझे तुम्हें काम देने में खुशी होगी, पर मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता क्योंकि ये इलीगल होगा। साची के भी दिमाग की बत्ती जलती है कि उसने सही कहा, और ओकिता सबको काम पे लौटने को कहता है। फिर एरिका साची से कहती है, तुम इतनी दूर से आई हो तो आज रात यहीं रुक जाओ, मेरा कमरा फ्री है। साची मान जाती है। अब नागी काम कर रहा था और साची और एरिका बर्गर खा रही थी। साची नागी को देख रही थी, वो बर्गर खा के फिर उसे देखती है, पर जब तक नागी काम फिनिश करके जा चुका था। एरिका उसे कुछ और डिश के बारे में बताती है। साची कहती है, आपको तो बहुत पता है। एरिका कहती है, क्योंकि मैं ये रोज खाती हूँ। साची कहती है, और काम का क्या? एरिका कहती है, हाँ मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वो एक एक करके साची को सारी जगह दिखाती है जिसमें बॉम्बू और नागी की मुर्गियाँ भी शामिल थी। फिर वो उसे हॉट स्प्रिंग में लेकर जाती है। साची कहती है, यहाँ का पानी कितना साफ है। एरिका बताती है, क्योंकि नागी एक दिन में 2 बार इसे साफ करता है। अगले सीन में दोनों कॉटेज में थे। एरिका साची से कहती है, यहाँ का काम बहुत टफ है, सुबह सुबह इंग्रेडिएंट्स को हार्वेस्ट करना होता है, फिर ब्रेकफास्ट, फिर फायरवुड स्टॉक करना, फिर क्लीनिंग, फिर गेस्ट का वेलकम और फिर डिनर प्रिपेयर करना, इसमें बहुत हार्ड वर्क है। साची कहती है, आप काम नहीं करती पर आपको सब पता है। फिर नागी डिनर लेकर आता है। एरिका कहती है, उन्होंने तुम्हें खाना सर्व करने को कहा? नागी कहता है, हाँ बस आज के लिए। एरिका कहती है, नाइस वर्क। नागी कहता है, कुछ और चाहिए हो तो बता देना। और एरिका साची से कहती है, तुम्हें कुछ नहीं कहना, और तुम्हें क्या हुआ है नागी? नागी कहता है, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। एरिका सोचती है, क्या साची नागी से बात करे बिना ही वापस चली जाएगी? अब नागी अपने कॉटेज में आ चुका था, वो थक चुका था और सोच रहा था साची एरिका के साथ होगी। फिर वो गेट ओपन करके देखता है, साची बाहर ही खड़ी थी। साची कहती है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? नागी कहता है, क्योंकि जब भी हमारी फाइट होती थी तुम हमेशा मेरे रूम के बाहर खड़ी रहती थी, मेरी ही गलती है, सॉरी। मैंने तुमसे पूछे बिना तुम्हारी फीस पे करने के लिए काम ज्वाइन कर लिया, मुझे यहाँ आने से पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था, अगर मैंने बता दिया होता तो तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ता। साची कहती है, सॉरी मैं काम नहीं कर सकती, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हें मेरी वजह से इतना काम करना पड़ रहा है। एरिका ने मुझे पूरा काम अच्छे से समझा दिया है और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो अपनी जैकेट ओपन करती है और उसने नागी की हाई स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। नागी कहता है, तुमने यूनिफॉर्म ले ली? साची कहती है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी, मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊंगी और उमिनो टाइम में पार्ट टाइम जॉब करूंगी और शायद मैं लड़कों के बीच पॉपुलर भी हो जाऊं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिर वो उसे थैंक्स कहती है और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक रिलीज होगा, तो मिलेंगे अगले वेडनेसडे इसके अगले चैप्टर के साथ।